हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, ये देखो कितने ज्यादा ऑयल लगे मेरे बालों में। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सिर में दर्द, बॉडी पेन एंड बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा ऑयलिंग कर लिया। मैंने सोचा था कि नाइट में मैं बाल वॉश कर लूंगी एंड फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी, बट इस टाइम भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि वीडियो तो बनानी पड़ेगी। ये देखो टाइम क्या हो रहा है, अभी आई थिंक क्लियर दिख रहा हो, 11:10 हो रहे हैं अभी रात के, और मैं इस टाइम वीडियो शूट करने बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं अभी अपना, आज मैंने एक घर लिया है ग्रेटर नोएडा में, वहीं पे मेरा पार्लर शिफ्ट हो रहा है, तो जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं एक बार जरूर ट्राई करने आइएगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और अगर आपको काम पसंद नहीं आया तो आप दोबारा मत आना, लेकिन मुझे 100% श्योर है कि आपको मेरा काम बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये तो वो भी बातें, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड सेकंड चैनल है प्रीति वाई 2, जिसमें मैं अपनी ब्लॉग वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, तो उस चैनल पर भी जरूर जाइए। वहाँ पे आपको मेकअप से रिलेटेड ऑल दिक्कतें जो भी होती हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी बारीकियां होती हैं, जो दिक्कत होती है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड मेरी डेली अपडेट भी आपको वहां मिलते रहेंगे। तो चलिए, इंस्टा आईडी PreetiBhai24 है, तो वो वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा मेरी रील्स वीडियो देखने के लिए। तो बहुत ज्यादा ऑयली है, चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं। आपको फ्रंट से इस तरीके से बालों को लेना है, ओके। अगर आपके पास एक इस तरीके की कॉम्ब होगी ना तो आपको इजी हो जाएगा हेयर स्टाइल बनाने में। तो यहाँ से मैं इस तरीके से हेयर को ले रही हूँ दोनों साइड से, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सागर छोटी बनाने में आपको लोगों को दिक्कत आती है तो ये वाला ट्रिक काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी, जिसको भी सागर चोटी बनाने में दिक्कत आती है उसके लिए। सागर चोटी बनाने का एक न्यू आइडिया लेके आई हूँ मैं आप लोग के लिए। आपको थोड़ा थोड़ा सा हेयर इसके साथ मिक्स करना है इस तरीके से, और आपको पीछे नहीं जाना है, साइड से हेयर को उठाना है और इसके साथ मिक्स करते जाना है। ओके, साइड साइड से हेयर को लेना है और ऐसे मिक्स करते जाना है। देखो आप मैं कैसे ले रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी लेना है बालों को। ओके, पूरा ईयर तक के हेयर को आपको लेना है। एक सेकंड में चश्मा निकाल दूं, वैसे मैंने चश्मा लगाया था क्योंकि मेरे फेस पे थोड़ी सी मेकअप नहीं है एंड मेरी आईब्रोज बहुत लाइट है गाइस, मैंने चश्मा लगा लिया कि विदाउट मेकअप थोड़ा सा लुक मेरा अच्छा देखे, बट जो ये मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ ये चश्मे के साथ अच्छे से बन नहीं पाएगी, और फ्रंट से मेरा हेयर भी काफी शॉर्ट है तो इसलिए मैंने चश्मा को निकालना पड़ा मुझे। अब तो आपको एंड तक थोड़ा गूंथ लेना है इसको, एंड गूंथने के बाद आपको नीचे में एक रबड़ बैंड लगा लीजिएगा, पतला वाला हो तो। मेरे पास पतला वाला नहीं है, तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आपको क्या करना है वो बताऊंगी मैं। तो ये देखिए मैंने काफी ज्यादा टाइट कर लिया है जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं जा रहा है, बट आई विल ट्राई कि ये ऊपर चला जाए मम्मी। तो आपको जो हेयर स्टाइल बनाओगे तो थोड़ा सा लूज रखना है जिससे कि ये इजिली ऊपर चला जाए, तो अभी नहीं जा रहा तो मैं क्या करूंगी, साइड साइड से थोड़ा सा लूज करूंगी। हिम्मत निहारना है, हेयर स्टाइल को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो तेल लगे हुए बालों में आप इस तरीके से बना सकते हो हेयर स्टाइल, और यहाँ पे आपको एक पिनअप कर देना है। आई डोंट लाइक दिस हेयर स्टाइल, काम करो एंड दोबारा से ट्राई करेंगे हम लोग। तो यहाँ से मैं हेयर को ले रही हूँ, ओके। अब कुछ डिफरेंट करते हैं, जैसे मैंने पहले किया तो नहीं बना, हो सकता है आपके साथ भी नहीं बना, तो मैं इसको वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको फिर से बता रही हूँ, देख लीजिएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस बार थोड़ा हम लोग लूज लूज बनाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। तो दोनों साइड से हेयर को
मिलाते जाएंगे एंड इस बार थोड़ा सा लूज रखेंगे। थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पार्ट लेंगे बालों का, जिससे कि अगर आपके फ्रंट के हेयर छोटे भी हैं तो हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना आए। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बालों को। थोड़ा सा चोटी गूंथने के बाद से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा लेयर लेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी जरूर जाइएगा गाइज, एंड मेरी वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो। एंड जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ उस सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रहती है, जिससे कि आप इजीली वहाँ से बाय कर सकते हो, आपको ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी चीज़ें चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ वो 100% श्योर होके यूज करने के बाद बेनिफिशियल होता है, हेल्पफुल रहता है, तो ही आप बताती हूँ, तो आप जाके बिना किसी डाउट के बाय कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको गूंथना है बालों को जैसे मैं गूंथ रही हूँ। और ज़्यादा टाइट मत रखिएगा, ज़्यादा टाइट रखने से पहले दिक्कत हुआ मुझे, वैसा हो सकता है आपके साथ भी। लूज रखने हैं एंड बनाते जाना है हेयर स्टाइल को। एंड में थोड़ा सा गूंथ लेंगे एंड बिल्कुल बारीक वाला जो रबर बैंड होता है वो यूज करना है, तो मेरे पास अभी वो नहीं है तो मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। एंड ऊपर कर देंगे सारे बालों को। ऊपर करने के बाद से अगर आपके पास रबड़ बैंड नहीं है तो आप यहाँ पे यूपिन यूज कर लोगे, बट ये हेयर स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आपकी बाल आगे से शॉर्ट है तो ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई मत कीजिएगा। वैसे मैंने ये वाला हैक देखा था अभी, तो मैंने आपको सोचा बता दूं आप लोगों को, बट ये जो हेयर स्टाइल है लॉन्ग वालों पे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, शॉर्ट वालों के लिए नहीं है। जितने फ्रंट से बैंग्स कट कराए हैं, चाहे मेरी तरह छोटे बाल हैं, तो उन पे ये हेयर स्टाइल नहीं बन सकता है। दो बार ट्राई करने के बाद भी आपको दिख गया, बट जिनका मैंने हैक देखा था वो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो उनके बाल काफी लंबे थे तो उन्होंने बना लिया बहुत इजीली, बट मेरे से नहीं बन रहा था, तो छोटे वालों पर ये नहीं बन पाएगा। अगर आपके बाल छोटे हैं तो मैं न्यू ट्रिक बता दूंगी जिससे आप बहुत इजीली ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो। आपको फ्रंट से इस तरीके से हेयर को लेना है, इस तरीके से चोटी बनाएंगे सिंपल सी एंड साइड साइड से हेयर को ऐड करते जाइएगा, तो बहुत इजीली आप ये हेयर स्टाइल बना लोगे। और ऑयली हेयर है तो काफी अच्छे भी लगेंगे और आपके बाल भी मैनेज हो जाएंगे इससे। फिर क्या होता है हम लोग का, जैसे तेल वेल हम लोग लगा लेते हैं, बट सुबह उठ के ऑफिस जाना हो तो हेयर वॉश करने का कई बार टाइम नहीं लगता है। तो अब मैंने बहुत सारी ऐसी हेयर स्टाइल बताई हैं जो जिसमें आपको कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें हेयर वॉश नहीं कर सकते, ऑयली है, तो आप हेयर स्टाइल काफी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आप बना के जा सकते हो अपने ऑफिस या कॉलेज में। तो इस तरीके से आपको हाफ फ्रेंच बनानी है, फ्रेंच ब्रेड। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप फुल फ्रेंच ब्रेड बना लीजिएगा नीचे तक पूरा, एंड चोटी गूंथ के छोड़ दीजिएगा, काफी प्यारा लगेगा। मेरे बाल लंबे नहीं है बट मैं ओपन भी नहीं रख सकती क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है आपको पता है, तो आप खुले बाल रखोगे तो काफी अनकंफर्टेबल होगा एंड गर्मी की वजह से बहुत इरिटेशन होता है। तो आप इस तरीके से फ्रेंच ब्रेड बनाने के बाद से सारे बालों को अच्छे से ऊपर की तरफ कॉम कर लेंगे। सेकंड चैनल पे भी जरूर जाएगा, सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड नेम है प्रीति वाई टू, तो आप सर्च भी कर सकते हो, बट इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इजिली डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक और सेकंड चैनल का लिंक एंड वेबसाइट लिंक प्रोडक्ट लिंक सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इजिली जाके वहां से देख सकते हो।
जिसकी तंत्र क्लिक कीजिए और फटाक से जाके विजिट कर लीजिए। वीडियो के एंड में मैं एक प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो कि काफी ज्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए, एंड कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने पोनी बना लिया। अगर आपके बाल लंबे हैं, अगर आप पोनी टेल में कंफर्टेबल हो तो आप बन मत बनाना, बट मैं ज्यादातर बन बना के रखती हूँ, एंड ऑयली बाल पे तो बन ही काफी अच्छा लगता है, तो मैं बन बना रही हूँ। तो वो जो हैक था छोटे वालों के लिए नहीं है, तो आप मत ट्राई कीजिएगा। जिनके बाल लंबे हैं, हेल्दी हैं, उनके लिए है, तो वो ट्राई कर सकते हैं। और छोटे बाल वाली लड़कियां जैसे मैंने बनाया है वैसा बना सकते हो आप। सॉरी टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, मैं क्लचर ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। एक्चुअली मैं शिफ्ट हो रही हूँ यहाँ पे, तो सारा सामान इधर उधर हो रखा है, तो मैं बड़े क्लचर से ही बना दे रही हूँ। छोटा क्लचर लगाती तो ज्यादा अच्छा लगता, बट अभी मुझे ये वाला क्लचर मिला है तो मैं इससे ही बना ले रही हूँ इसको। अगर आपने बड़ा क्लचर है, आपके बाल शॉर्ट है, तो आप कुछ इस तरीके से लगाइएगा। उससे क्या होगा कि आपका क्लचर भी हाइड हो जाएगा एंड आपका बन जो है वो भी काफी बड़ा दिखेगा। ये आप एवरीडे हेयर स्टाइल में कर सकते हो, एंड ऑफिस ऑफिस कॉलेज जाना है और आपके बालों बाल बालों का हाल कुछ इस तरीके का है मेरी तरह, तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना के जा सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोबारा मैं अपना चश्मा लगा लेती हूँ तो अब थोड़ा अच्छा लुक लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सॉरी, प्रोडक्ट दिखाना था मुझे। तो प्रोडक्ट जो मैंने ये लिया है, ये है डीटेन फेस पैक है, इसको मैंने अप्लाई किया है। ये टैन रिमूव करता है और आपका जो भी सिर दर्द होगा या फिर स्किन पे कोई प्रॉब्लम होगी, डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स है, उसको भी रिमूव करता है। और इसको लगाने के बाद से बहुत ज़्यादा फेस आपका ठंडा फील होता है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, और काफ़ी अच्छा है, डीटेन के लिए बेस्ट है। अगर आप, और मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था और मैंने एक कस्टमर पे भी यूज किया था, तो उनका यहाँ पे पिगमेंटेशन था, जैसे कि फुल फेस एक जैसा नहीं दिख रहा था, तो उनका काफी हद तक ऐसे 50-60% तक इन एवन स्किन था, तो एक जैसा मतलब पूरा जैसे यहाँ पे आपका कलर होता है वैसा ही यहाँ पे भी हो गया था, बहुत ज्यादा ब्लैक था और काफी अच्छा असर किया था इसने। अगर आपको ये लेना है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके वहां से इजिली बाय कर सकते हो। डीटेन पैक है ये, मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था, एंड आप भी लिंक के थ्रू जाके इजिली बाय कर सकते हो, और लिंक के थ्रू जाओगे तो हो सकता है आपको 10-20% तक का डिस्काउंट मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।